गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। Means the physical quantities which require only magnitude to describe them completely. Means जिसका magnitude होता है, that is called scalar quantity. They cannot be plotted on graph. इसको graph में plot नहीं कर सकते. Examples, mass, time, length and distance. These are the scalar quantity. मास को हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। This is the difference between the basic difference between the scalar quantity and vector quantity. Speed is a very important. Speed आपने class 6-7 में पढ़ा है। Speed is distance upon time. The distance travelled by an object in unit time is called as speed. आप यहाँ से हरिद्वार जाते हैं और मान ली 30 किलोमीटर की जर्नी है और आप 2 घंटे लगाते हैं, चाहे वो साइकिल से हो या किसी और व्हीकल से हो, तो इट मींस आपकी स्पीड 30/15 मींस 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय वी, स्मॉल वी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, मींस इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। देयरफॉर वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एसआई यूनिट इज इक्वल मीटर पर सेकेंड, एंड लार्जर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर आप पढ़ चुके हैं, इट इज अ मीटर फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल में हमने आपको इसके पहले ओडोमीटर बताया था जो डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। इसमें आपने देखा होगा एक निडिल होती है विच इंडिकेटेड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। ये देखिए, यहाँ के बीच में मैंने इसके पहले आपको ओडोमीटर बताया था, दिस इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। आप एक स्पीड से अपने स्कूल से अपने घर तक जाते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल पर आपकी स्पीड चेंज नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल फॉर टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ये देख लीजिए, ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से। देख लीजिए, मीन्स 5, 10, 15, 20, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड। 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर, 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर, 15 सेकेंड में 30 किलोमीटर। मीट स्पीड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड देख लीजिए, एक जैसी स्पीड है टाइम और वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखेंगे कर्व्ड ग्राफ आता है, इट शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, मीन्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड
और डायरेक्शन दोनों डिमार्केबल हो, देन इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. और स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. जहाँ पर वी है डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक टाइम, वी इज इक्वल टू एस डी ऑन टी, एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड लार्ज यूनिट किलोमीटर पर आवर. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आप ये पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके असाइनमेंट आप इसमें करिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.